झाड़ू को कभी भी गलती से इन तीन जगह पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो 100% हो जाओगे कंगाल। अगर ये गलती आप भी करते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको कंगाल बनने से। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि अगर आप झाड़ू को गलती से भी इन जगह पर रखते हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करते हैं। दोस्तों, झाड़ू को हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस झाड़ू से आप घर की सफाई करते हैं वो झाड़ू हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता का स्वरूप मानी जाती है। तो दोस्तों, झाड़ू का कभी भी इन तीन जगह पर नहीं रखना चाहिए। वो तीन जगह कौन सी हैं? दोस्तों हम आपको बताते हैं, वो तीन जगह हैं, जिसमें से पहली है जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हों उस कमरे में झाड़ू को कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि अगर आप झाड़ू को उस कमरे में रखेंगे जिस कमरे में पति और पत्नी सोते हैं, तो आपके घर में पति और पत्नी के बीच कलेश, लड़ाई, झगड़े निरंतर होते रहेंगे। ऐसा करने से पति पत्नी में आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जिस कमरे में पति पत्नी रहते हों या सोते हों तो उस कमरे में झाड़ू को कभी भी नहीं रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जिस कमरे में, जिस हॉल में बाहर से आने वाले आगंतुक बैठते हों और जिस कमरे में आपका सोफे लगा हो, कहने का मतलब है कि आपके गेस्ट रूम में या बोले कि आपके ड्राइंग रूम में जहां आप सोफे रखते हैं, उस सोफे के नीचे जहां आपका पलंग रखा हो, जो अक्सर सभी की ड्राइंग रूम में होते हैं, तो उस पलंग के नीचे कभी भी गलती से भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप रख देते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से दोस्तों, घर में अगर सास बहु हैं तो उनका संबंध आपस में अच्छा नहीं रहता, उनमें लड़ाई, झगड़े, वाद विवाद होता रहता है। और तीसरी जगह तो आपको भूल से भी कभी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वो कौन सी जगह है दोस्तों? वो है जहां अन्नपूर्णा माता निवास करती हैं, जहां पर भोजन बनता है, जहां पर आप भोजन करते हो, यानी कि रसोई घर में, किचन में कभी भी गलती से झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ये होगा कि आपके बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापान उनके अंदर आएगा। और आप अगर अपने बच्चों का कन्ही संबंध करना चाहते हो समाज में, तो आपके बच्चे आपकी बात ना मानकर गलत जगह पर अपने संबंध अपनी मर्जी से करेंगे। इसलिए रसोई घर में कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि शाम के समय कभी भी आपको शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आपने कई बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा। वो इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि शाम को 4 से 7 बजे के बीच में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमर पर निकलते हैं। ये समय भगवान का घूमने का समय होता है। इसलिए हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है कि इस समय परमात्मा को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान क्रोधित हो सकते हैं। और दोस्तों, शाम के समय महिलाओं को चूड़ी और बिछिए नहीं बदलने चाहिए। शाम के समय महिलाओं को मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। और दोस्तों, शाम के समय महिलाओं को बाल भी नहीं काटने चाहिए। और शाम के समय महिलाओं को अपनी चौखट पर भी नहीं बैठना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इन सब बातों को क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप रोज मुझे शाम के समय, प्रदोष काल के समय भ्रमर पर लेकर जाते हो, तो भोलेनाथ मेरे इसका क्या संदेश है? तो भगवान भोलेनाथ बोले कि सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है। जब भी कोई मेरा भक्त मेरे मंदिर में आता है तो वो नंदी से कहता है कि भगवान भोलेनाथ से मेरे आने की सूचना देना, तो मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ। मेरा सबसे पहला काम है उनका कल्याण करना, और आपका कार्य है पार्वती की, उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना।
तो पार्वती माता ने कहा कि अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद में तो दे दूं, मगर उस समय माताएं चूड़ी पहन रही मांग भर रही होगी, उस समय पर बिछिए बदले जा रहे होंगे, तो मैं उन्हें आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ। उस समय पर उनके घर झाड़ू लग रही होगी, तो मैं वहाँ लक्ष्मी को कैसे भेज सकती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा कि शाम का समय प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय केवल शंकर पार्वती की आराधना का समय होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके यहाँ धन संपदा नहीं आ रही हो, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो, आपको जो भी आपके जीवन में नौकरी व्यापार या किसी और से संबंधी कोई भी तकलीफ है जीवन में, तो आप शाम के समय शंकर और पार्वती की आराधना करना प्रारंभ कर दो और भूल से भी इन कामों को मत करो। फिर देखना आपके जीवन में कैसे उजाला होता है, आपके घर में कैसे जल्दी जल्दी सुख संपदा आने लगते हैं, आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।